तारा कोचिंग के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और हम इस क्लास में पढ़ेंगे बीकानेर का भाटी वंश। तो इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें मैंने भाटी वंश के कुछ शासकों का उल्लेख किया था आपके सामने, और अब हम उल्लेख करेंगे भाटी वंश के अन्य शासकों का कि जैसलमेर के इतिहास में भाटी वंश के शासकों का क्या क्या योगदान था, उसका उल्लेख करेंगे। तो जिस प्रकार जैसलदेव तक तो हमने इसे पहले की कक्षा में पढ़ लिया था, जैसलदेव भाटी, जैसलदेव भाटी तक का तो इतिहास हमने पीछे की जो कक्षा थी उसमें पढ़ लिया। अब जैसलदेव भाटी के आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो जैसल सिंह भाटी यानी इसके पुत्र का नाम, इसके पुत्र का नाम जेतर सिंह था, जेतर सिंह यानी जेतर सिंह था, जेतर सिंह यानी जैसलदेव भाटी के पुत्र का नाम जेतर सिंह था। और जैसल सिंह भाटी ने जैसलमेर की स्थापना की थी, जैसलमेर में सवर्ण दुर्ग का निर्माण करवाया था त्रिमुख पहाड़ी पर। जैसल सिंह भाटी तो देखना इसके समकालीन, ये रह गया राजस्थान का जैसलमेर। तो जैसलमेर का जो शासक था वो जेतर सिंह भाटी था, जेतर सिंह भाटी यानी जैसलमेर का शासक जेतर सिंह भाटी था। और ये है दिल्ली, तो दिल्ली का शासक यानी जेतर सिंह के समकालीन जो दिल्ली का शासक था उनका नाम बलवन था, बलवन यानी उसका नाम बलवन था। अब जेतर सिंह जैसलमेर का शासक था, दिल्ली का शासक बलवन था। जेतर सिंह के पुत्र का नाम, इसके पुत्र का नाम मूलराज भाटी था, मूलराज भाटी यानी इसके पुत्र का नाम मूलराज भाटी था। और जैसलमेर में एक दुर्ग था, ये दुर्ग जिसका नाम था सवर्ण दुर्ग, सवर्ण दुर्ग यानी जैसलमेर में सवर्ण दुर्ग है। और जैसलमेर का शासक जेतर सिंह भाटी था, और जेतर सिंह के भाटी के पुत्र का नाम मूलराज भाटी था। और जेतर सिंह के जो समकालीन यानी जेतर सिंह के समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो बलवन था। अब 1311 में यानी 1311 में 1311 में दिल्ली के शासक बलवन ने 1311 में दिल्ली के शासक बलवन ने जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। उसी समय जैसलमेर का शासक जेतर सिंह था, जेतर सिंह था। अब इस आक्रमण में यानी बलवन ने जो सवर्ण दुर्ग पर जो आक्रमण किया था, तो आक्रमण के समय जेतर सिंह की मृत्यु, जेतर सिंह की मृत्यु है यानी जेतर सिंह की मृत्यु सवर्ण दुर्ग में हो गई थी आक्रमण के समय। अब क्या काम हुआ, जेतर सिंह की तो मृत्यु हो गई लेकिन जेतर सिंह का पुत्र था जिसका नाम मूलराज भाटी था, जिसका नाम मूलराज भाटी था। अब मूलराज भाटी यानी मूलराज भाटी जीवित था, युद्ध शुरू हुआ था, लड़ाइयां चल रही थी, जेतर सिंह मारा गया सवर्ण दुर्ग में। अब मूलराज भाटी के जो सैनिक थे उनके पास युद्ध सामग्री समाप्त हो गई, युद्ध सामग्री समाप्त हो गई यानी युद्ध सामग्री समाप्त हो गई। तो ये युद्ध सामग्री समाप्त हो गई थी, मूलराज भाटी सेना का नेतृत्व कर रहा था और बलवन ने आक्रमण किया था और जेतर सिंह मारा गया था। घटना थी 1311 की। अब जिस प्रकार मूलराज भाटी के पास युद्ध सामग्री समाप्त होने पर मूलराज भाटी ने अपने सैनिकों को केसरिया करने के लिए कहा था, केसरिया करने के लिए कहा, अर्थात मूलराज भाटी के नेतृत्व में
केसरिया हुआ और मूलराज भाटी की पत्नी और अन्य सैनिकों की पत्नियों द्वारा जौहर हुआ था। अब केसरिया पुरुषों के द्वारा हुआ है, जौहर महिलाओं के द्वारा हुआ है। केसरिया और जौहर जब दोनों साथ में होता है तो इतिहास में इसे साका कहते हैं। तो जैसलमेर दुर्ग का जो 1311 में हुआ था, यानी मूलराज भाटी के शासनकाल में जो साका हुआ था, ये जैसलमेर दुर्ग का, ये स्वर्ण दुर्ग का अर्थार्थ जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका कहलाता है, यानी प्रथम साका। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि जैसलमेर में जो स्वर्ण दुर्ग है या जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ था। तो जैसलमेर का प्रथम साका 1311 में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। यानी जैसलमेर का जो प्रथम साका था वो 1311 में हुआ था, और यानी किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मूलराज भाटी के नेतृत्व में हुआ था। अब ये पूछा कि किसने आक्रमण किया था, तो दिल्ली के शासक बलवन ने आक्रमण किया था। अर्थात जैसलमेर दुर्ग का, यानी जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था, उसमें केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, तो मूलराज भाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। अर्थात यानी बलवन ने जैसलमेर के स्वर्ण दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अब जो इनके बाद जो पढ़ेंगे, यानी जैतर सिंह, अब जैतर सिंह के बाद जो शासक बनता है उनका हम अध्ययन करेंगे तो जैतर सिंह के दूसरे पुत्र का नाम रतन सिंह था। यानी जैतर सिंह के दूसरे पुत्र का क्या नाम था, तो जैतर सिंह के दूसरे पुत्र का नाम था रतन सिंह। अब मूलराज तो मारा गया, अब रतन सिंह के पुत्र का नाम था गढ़सी सिंह बाटी, यानी गढ़सी सिंह बाटी। अब क्या काम हुआ कि मूलराज भाटी जैसलमेर के प्रथम साके में मारा गया, और मूलराज भाटी के बाद जैसलमेर पर दिल्ली के शासक बलवन का अधिकार हो गया। लेकिन जैतर सिंह के दूसरे पुत्र रतन सिंह का बेटा गढ़सी सिंह भाटी था। अब गढ़सी सिंह भाटी जब राज्याभिषेक के योग्य हुआ, अर्थात राजा बनने की कोशिश की, उस समय दिल्ली पर अधिकार, यानी दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो जिस प्रकार जैतर सिंह के समकालीन तो दिल्ली का शासक बलवन था, मूलराज भाटी के समकालीन भी बलवन था, और इसके बाद में यानी मूलराज भाटी की मृत्यु के बाद जैतर सिंह के बड़े पुत्र रतन सिंह का पुत्र गढ़सी सिंह भाटी दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। और उन्होंने, यानी गढ़सी सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से जैसलमेर दुर्ग पुनः प्राप्त कर लिया था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़सी सिंह भाटी को जैसलमेर का शासक बना दिया था। अब गढ़सी सिंह भाटी ने जैसलमेर में गढ़सीसर झील का निर्माण करवाया था, यानी गढ़सीसर झील। तो परीक्षा में आ जाता है कि गढ़सीसर झील राजस्थान के कौन से जिले में है, तो गढ़सीसर झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर के उस शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर जैसलमेर राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था, तो उसका नाम था गढ़सी सिंह भाटी। अब गढ़सी सिंह भाटी के बाद
देखेंगे कि जैसलमेर के इतिहास में बाटी वंश का कौन सा शासक आता है। यानी गढ़सी सिंह बाटी के बाद जो जैसलमेर का जो शासक बनता है उसका नाम है राव दूदा। राव दूदा यानी गढ़सी सिंह के बाद में जो जैसलमेर का जो शासक बनता है वो राव दूदा है। अब राव दूदा जिस प्रकार जैसलमेर का शासक था, ये जैसलमेर है, जैसलमेर, और जैसलमेर का जो शासक था उसका नाम राव दूदा था, राव दूदा, और ये है दिल्ली, ये है दिल्ली। तो दिल्ली का शासक यानी उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जिस प्रकार राव दूदा जैसलमेर का शासक बना था उसी समय दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यानी जब राव दूदा जैसलमेर का शासक बना था उसी समय दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था। अब फिरोज शाह तुगलक ने यानी ये बात है 1370 और 1371 में, 1370 और 1371 की बात है। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जो जैसलमेर का शासक था वो गढ़सी सिंह भाटी था। बलवन के जो समकालीन जैसलमेर का शासक था वो जेतर सिंह और मूलराज भाटी था। अब जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन आता है तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन जैसलमेर का शासक राव दूदा भाटी था, राव दूदा भाटी था। अब क्या हुआ कि 1370 और 71 में यानी 1370-71 में फिरोज शाह तुगलक ने और जैसलमेर पर आक्रमण किया था। यानी फिरोज शाह तुगलक ने 1370-1371 में जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अब जैसलमेर पर इसने आक्रमण किया था तो जैसलमेर दुर्ग की यानी सवर्ण दुर्ग की यानी सोनारगढ़ दुर्ग की यानी जैसलमेर दुर्ग की सुरक्षा के लिए यानी जैसलमेर दुर्ग की सुरक्षा के लिए राव दूदा के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। राव दूदा के नेतृत्व में केसरिया प्लस उनकी रानी द्वारा यानी उनकी रानियों द्वारा क्या किया गया था, जौहर किया गया था। तो केसरिया प्लस जौहर यानी केसरिया और जौहर जब दोनों साथ में होता है तो ये फिर क्या हो गया, तो फिर ये हो गया साका। तो ये जैसलमेर दुर्ग का सेकंड साका कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग का दूसरा साका यानी जैसलमेर दुर्ग का दूसरा साका कब हुआ था? तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का जो प्रथम साका है वो 1311 में हुआ था, मूलराज भाटी के शासनकाल में दिल्ली सुल्तान बलवन ने आक्रमण किया था। जैसलमेर दुर्ग का जो दूसरा साका है वो 1370-1371 में हुआ था, उस समय जैसलमेर का शासक राव दूदा था और दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने 1370-1371 में जैसलमेर के सवर्ण दुर्ग पर आक्रमण किया था। दुर्ग की रक्षा करता हुआ राव दूदा के नेतृत्व में केसरिया हुआ और उनकी रानियों द्वारा क्या किया गया था, जौहर किया गया था। ये जैसलमेर दुर्ग का या जैसलमेर का दूसरा साका कहलाता है। तो जैसलमेर का दूसरा साका 1370-1371 में हुआ था। अब जो राव दूदा के बाद जो राजा बनता है एक का नाम विरासी है, विरासी भाटी, ये भी जैसलमेर का शासक हुआ था। एक का नाम देवीदास भाटी भी है यानी देवीदास भाटी, ये भी शासक हुआ था। एक का नाम था जेत सिंह भाटी, ये भी शासक हुए थे, जेत सिंह भाटी। यानी जिस प्रकार राव दूदा के बाद में जैसलमेर के भाटी वंश के इतिहास में कुछ अन्य राजा भी हुए थे,
विरासी भाटी भी राजा हुआ था, देवीदास भाटी भी राजा हुआ था और जेत सिंह भाटी भी राजा हुआ था, लेकिन इनका इतिहास में कोई स्थान नहीं बताया गया है, न इतिहास में इनका कोई उल्लेख बताया गया है। अब ये बताया गया कि जेत सिंह भाटी के पुत्र का नाम लूणकर्ण सिंह भाटी था। लूणकर्ण सिंह भाटी यानी जेत सिंह भाटी के पुत्र का नाम क्या नाम था? लूणकर्ण सिंह भाटी। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लूणकर्ण सिंह भाटी। इनका प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। देखो जैसलमेर के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो आपको जैसलमेर के तीन शाखा याद करो और तीन शाखा किन किन के शासनकाल में हुआ था ये आप उनको अच्छी तरह से याद कर लो। और जैसलमेर के इतिहास में कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है नहीं, जो है वो स्वर्ण दुर्ग है जैसलमेर वाला, इसी का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब जो राजा बनता है उनका नाम है लूणकर्ण सिंह भाटी यानी लूणकर्ण सिंह भाटी जैसलमेर का शासक बनता है। तो लूणकर्ण सिंह भाटी देखो इसके 9 बेटा थे, यानी 9 तो एंगा पुत्र, 9 पुत्र और एंगे 3 पुत्रियां ही, 3 बेटियां ही इसके, हाँ भी 9 पुत्र यानी 9 बेटा और 3 बेटी जैसलमेर के शासक लूणकर्ण सिंह भाटी के 9 बेटा और 3 बेटियां थे। हाँ अब क्या काम हुआ, इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम उमादे था, यानी लूणकर्ण सिंह भाटी की जो सबसे बड़ी पुत्री थी उसका नाम उमादे था। उमादे का विवाह है, इसका विवाह है मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ में हुआ था, यानी उमादे का विवाह है, यानी जैसलमेर का एक भाटी शासक था जिसका नाम लूणकर्ण सिंह भाटी था और लूणकर्ण सिंह भाटी के 3 पुत्रियां थी जिसमें सबसे बड़ी पुत्री का नाम उमादे था। उमादे का विवाह है मारवाड़ अर्थात जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था। काम प्रवृत्ति की भावना से उमादे मालदेव से नाराज हो गई। काम प्रवृत्ति की भावना से उमादे मालदेव से नाराज हो गई, इसलिए उमादे को इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वो उमादे थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्न को 2-3 बार पहले भी पूछा गया है, हो सकता है ये आगे आने वाली वैकेंसी में भी पूछा जा सके कि राजस्थान में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। तो राजस्थान में रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध थे। उमादे कौन थी? तो जैसलमेर की राजकुमारी थी और उमादे के पति का क्या नाम था? मालदेव। मालदेव कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। मारवाड़ का अर्थ क्या है? जोधपुर, पाली और नागौर। अब इसमें क्या हुआ कि लूणकर्ण सिंह भाटी ने जैसलमेर में जेतबंद यज्ञ करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसलमेर यज्ञ करवाने वाला भाटी वंश का शासक कौन था? तो जैसलमेर यज्ञ करवाने वाला भाटी वंश का शासक था लूणकर्ण सिंह भाटी। ये जैसलमेर यज्ञ है क्या, यानी जैसलमेर यज्ञ है क्या? तो अब देखो थे आप कि भाटी वंश के कुछ शासक
सिंध प्रांत चले गए, सिंध प्रांत चले गए। और सिंध प्रांत में जाने के बाद बाटी वंश के शासकों ने, बाटी वंश के व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, यानी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया बाटी वंश के कुछ शासकों ने। अब क्या काम हुआ, अब यानी सिंध प्रांत से उन बाटी शासकों को, उन बाटी व्यक्तियों को वापिस जैसलमेर बुलाकर, वापिस जैसलमेर बुलाकर उनको हिंदू धर्म स्वीकार करना, हिंदू यानी उनको हिंदू धर्म स्वीकार करवाना, हिंदू धर्म स्वीकार करवाना। इसे बोलते हैं शुद्धिकरण, शुद्धिकरण है इसे बोलते हैं शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण आंदोलन, बहुत अच्छा प्रश्न है, शुद्धिकरण आंदोलन चलाने वाला जैसलमेर का शासक था, उसका नाम लोणकर्ण सिंह बाटी था। अब जेतबंद यज्ञ का अर्थ क्या है कि जैसलमेर जिले के कुछ बाटी शासक और बाटी यानी बाटी वंश के लोगों ने सिंध प्रांत में जाकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और जब जैसलमेर का शासक लोणकर्ण सिंह बाटी बना था तो यानी उन लोगों को यानी जो सिंध प्रांत में इस्लाम धर्म कर चुके थे उन लोगों को सिंध प्रांत से वापिस बुलाया गया जैसलमेर, और वापिस बुलाने के बाद उनको अंत में हिंदू धर्म स्वीकार करवाया था। ये था जेतबंद यज्ञ, और इसी यज्ञ को शुद्धिकरण यज्ञ भी कहते हैं। तो शुद्धिकरण आंदोलन चलाने वाला बाटी वंश का जो प्रथम शासक था वो लोणकर्ण सिंह बाटी था। अब देखो क्या हुआ, ये जैसलमेर हैं, जैसलमेर, और जैसलमेर का शासक था वो लोणकर्ण सिंह बाटी था, जैसलमेर का शासक था वो लोणकर्ण सिंह बाटी था। और ये है कंधार, यानी ये है कंधार, कंधार का शासक था अमीर अली, अमीर अली यानी कंधार का जो शासक था वो अमीर अली था, और जैसलमेर का शासक था वो था लोणकर्ण सिंह बाटी। अब 1550 में, 1550 में बहुत अच्छा प्रश्न है, 1550 में यानी जैसलमेर का शासक लोणकर्ण सिंह बाटी और कंधार का शासक अमीर अली, घटना कब की है, 1550 की है। अब 1550 में इस अमीर अली ने, यानी 1550 में इस अमीर अली ने, 1550 में इस अमीर अली ने, इस अमीर अली ने और जैसलमेर के भाटी शासक लोणकर्ण सिंह भाटी पर आक्रमण किया था 1550 में, 1550 में। अब लोणकर्ण सिंह बाटी के नेतृत्व में, इसी के नेतृत्व में तो क्या हुआ, केसरिया, इसी के नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया, यानी जैसलमेर की सुरक्षा के लिए, जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए जैसलमेर के शासकों ने केसरिया कर लिया, लेकिन पीछे से उनकी पत्नियों ने क्या नहीं किया था, जौहर नहीं किया था, जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, फिर इनको साका तो कह नहीं सकते, साका तो जब केसरिया प्लस जौहर होता तब ये साका होता, तो ये क्या है, अर्ध साका है, क्या है ये, अर्ध साका, क्या है, अर्ध साका। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अर्ध साका के प्रमाण, यानी अर्ध साका राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, तो जैसलमेर। अर्ध साका कौन से दुर्ग में हुआ था, सवर्ण दुर्ग में। अर्ध साका किन के शासनकाल में हुआ था, तो अर्ध साका हुआ था लोणकर्ण सिंह बाटी के शासनकाल में। तो दो तो हो गए, दो तो कंप्लीट हो गए, क्योंकि पहला तो हुआ था जेत्र सिंह के शासनकाल में, यानी मूलराज बाटी, जेत्र सिंह के पुत्र मूलराज बाटी द्वारा किया गया। दूसरा हुआ था इसमें राव दूदा के समय, दो कंप्लीट हो गए, और तीसरा रह गया आधा, तो ये कितने हो गए, ढाई, ढाई शाकों के प्रमाण जैसलमेर में मिलते हैं, ढाई शाकों के प्रमाण जैसलमेर में मिलते हैं। अब ये प्रश्न पूछ ले कि अर्ध शाका का अर्थ क्या है,
अर्ध शाखा का अर्थ क्या है, तो यानी वह शाखा जिसमें केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता, वो क्या होता है, अर्ध शाखा होता है। तो अर्ध शाखा लूणकर्ण सिंह भाटी के शासनकाल में हुआ था, तो लूणकर्ण सिंह भाटी पर किसने आक्रमण किया था जिसके कारण अर्ध शाखा हुआ था, तो कंधार का शासक था अमीर अली। कंधार का कौन सा शासक था, अमीर अली। अब जिस प्रकार यानी ये अर्धशाखा हो गया, तो जिस इसमें लूणकर्ण सिंह भाटी इसके पुत्र का नाम था मालदेव। इसके पुत्र का नाम क्या था, मालदेव। और मालदेव के पुत्र का इसके पुत्र का नाम था हर राय बाटी। यानी इसके पुत्र का नाम था हर राय बाटी, यानी लूणकर्ण सिंह भाटी, यानी लूणकर्ण सिंह भाटी के पुत्र का नाम था मालदेव और मालदेव के पुत्र का नाम था हर राय बाटी। अब हर राय बाटी की एक पुत्री थी, इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था नाथी बाई। और हर राय बाटी के समय जो दिल्ली का शासक था वो था अकबर। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर दरबार आयोजन में हर राय बाटी जैसलमेर का प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अर्थात हर राय बाटी ने अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह है अकबर के साथ कर दिया। यानी नाथीबाई का विवाह किनके साथ हुआ था, अकबर के साथ हुआ था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि बाटी वंश के उस शासक का नाम बताओ जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो बाटी वंश का ये प्रथम शासक था हर राय बाटी, जिसने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी। सेकंड प्रश्न, बाटी वंश के उस राजा का नाम बताओ जिसने, यानी बाटी वंश के उस शासक का नाम बताओ जिसने अकबर के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था। तो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला शासक था हर राय बाटी। हर राय बाटी ने अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह किसके साथ कर दिया, अकबर के साथ। अब इनके पास पढ़ते हैं, तो यानी हर राय बाटी के बाद हर राय बाटी के पुत्र का नाम भीम सिंह भाटी। हर राय बाटी के पुत्र का क्या नाम था, भीम सिंह भाटी। अब भीम सिंह भाटी के जो समकालीन, यानी इसके समकालीन जब भीम सिंह भाटी जैसलमेर का शासक था, तो उसी समय दिल्ली का शासक जहांगीर था। और भीम सिंह भाटी जैसलमेर का शासक था। अब भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह है, भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह है किसके साथ कर दिया, जहांगीर के साथ कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि भीम सिंह बाटी वंश का दूसरा शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। अब जो इनके बाद भीम सिंह भाटी के बाद जो राजा बनता है उनका नाम है मूलराज बाटी यानी मूलराज सेकंड। यानी भीम सिंह के बाद जो बाटी वंश का जो शासक बनता है उस शासक का नाम है मूलराज भाटी सेकंड है ये। तो इसने 1818 में और ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ संधि कर ली थी। तो ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ संधि करने वाला भाटी वंश का पहला शासक कौन था, तो दोस्तों ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ संधि करने वाला भाटी वंश का पहला शासक मूलराज भाटी सेकंड। अब मूलराज भाटी सेकंड के बाद
यानी मूलराज भाटी सैकिल के बाद जो जैसलमेर का जो शासक बनता है, मूलराज भाटी सैकिल के बाद जो जैसलमेर का जो शासक बनता है उसका नाम है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह, जवाहर सिंह यानी मूलराज भाटी सैकिल के बाद जो जैसलमेर का शासक बनता है उस शासक का नाम है जवाहर सिंह। तो पहला प्रश्न इसका यही रह गया कि यह भाटी वंश का अंतिम शासक है, भाटी वंश का अंतिम शासक। तो भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह भाटी, जवाहर सिंह भाटी। इसी के शासनकाल में सागरमल गोपा यानी सागरमल गोपा था। जवाहर सिंह के शासनकाल में ही जैसलमेर में एक सागरमल गोपा नामक व्यक्ति था। सागरमल गोपा ने एक पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक का लेखक था सागरमल गोपा। किन के शासन की बात थी? जवाहर सिंह के। यानी सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडा राज नामक इस पुस्तक में जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह का विरोध किया था, इसका विरोध किया था इसने, जैसलमेर के शासक का विरोध किया गया था सागरमल गोपा द्वारा। कौन सी पुस्तक में? जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक में इसका विरोध किया था। अब जिस प्रकार विरोध करने के बाद जैसे ही जवाहर सिंह को इस बात का पता चला तो जवाहर सिंह ने मिट्टी का तेल डालकर इसे जिंदा जला दिया था। तो बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि कौन से क्रांतिकारी को मिट्टी का तेल डालकर उस पर जिंदा जलाया गया था? तो उसका नाम था सागरमल गोपा। ठीक है ना, सागरमल गोपा को आजादी का दीवाना कहते हैं, आजादी का दीवाना। तो आजादी का दीवाना कौन था? तो सागरमल गोपा। थैंक्स दोस्तों, सागरमल गोपा के साथ ही जैसलमेर की भाटी वंश का इतिहास समाप्त हुआ। आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ प्रदेश के कछवा वंश के शासकों के बारे में।